हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन टेक्निक्स की। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, सो आप सभी लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, इतना कम टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, क्या करें। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से रिवीजन कर सकते हो और किस तरह से अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको क्वेश्चन तो पता है बट आंसर याद नहीं आ रहा, ये भी पता है कि मैंने पढ़ा था बट आई कांट रिमेम्बर इट? कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो भाई बहुत बार हुआ है। कभी ऐसा भी हुआ है कि ओ नो, मुझे पूरा आंसर याद है, पूरा कंटेंट याद है, बट ये किस क्वेश्चन में सेट होगा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ ये भी हुआ है। कभी ऐसा भी हुआ है कि ओ नो, मुझे पूरा पता है कि बुक में ये लेफ्ट साइड के पेज में है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, पर मुझे ये याद नहीं आ रहा कि उसमें लिखा क्या था। हैव यू एवर बिन देयर? आई हैव बिन देयर। सो यस, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, और ये पॉसिबल इसीलिए हैं क्योंकि इस पूरे साल में हमने एक एक्टिविटी पे फोकस किया, जो कि चीज़ें हैं दिमाग के अंदर डालने में, दिमाग से बाहर लाने में हमने फोकस ही नहीं किया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी और हमें पेपर्स लिखते समय वही करना है ना, दिमाग से बाहर लाना है सो दैट हम लिख सकें अपने पेपर में कि भाई ये क्वेश्चन है, फटाफट 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 सारे आंसर्स लिख दिए और पेपर ख़त्म। पर वो चीज़ करने के लिए ये दिमाग से बाहर लाने वाली जो एक्टिविटी है इसको स्पीड अप करना पड़ेगा। जब तक ये स्लो है, हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या है, इसके आंसर में हमने क्या क्या पॉइंटर्स लिखने हैं और ये आंसर हम कैसे लिखें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारी रिविजन टेक्निक्स अगर सही होंगी तो हमारी ये सारे डाउट्स, ये सारे इश्यूज, ये सारे प्रॉब्लम्स एक सेकंड में ख़त्म। हमें फटाफट याद होगा कि हमने क्या लिखना है उस आंसर में, कैसे लिखना है और कैसे हमारा पेपर फटाफट कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं कि हम रिकॉल कैसे करें। रिमेंबर तो हमने कर रखा है, पढ़ा तो है हमने, पूरा साल भर पढ़ा है, पर अब इसे रिकॉल कैसे करें, रिकॉल मतलब याद कैसे लेके आए कि हमने लिखना क्या है, और उस चीज़ के लिए ये तीन प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस है, आप स्पाइडर मैप्स बना सकते हैं। स्पाइडर मैप्स क्या होते हैं? सो जैसे अगर आपने कभी स्पाइडर देखा होगा तो बीच में एक छोटा सा स्पाइडर की बॉडी और उसके ऐसे 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 टांगे होती है, राइट? तो उसी तरह से जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, हम अपना मेन कॉन्सेप्ट बीच में रख सकते हैं और एक स्पाइडर वेब के जैसे या स्पाइडर लेग्स के जैसे एरोज़ बना करके इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स उन एरोज़ पर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये देखें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम, ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक नेशनल इनकम का टॉपिक है और इसमें हमें पता है कि भाई देर आर फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, ठीक। जैसे हमने सिर्फ नेशनल इनकम लिख दिया और एक एरो डाल करके लिख दिया डेमोग्राफिक फैक्टर्स, फिर एक एरो डाल कर लिख दिया हमने सोशल फैक्टर्स, एक एरो डाल करके लिख दिया हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक एरो डाल करके लिख दिया हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स। सो नाउ वी नो दैट देर आर फोर मेजर फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग नेशनल इनकम, और इन फैक्टर्स के नीचे छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में आप हेडिंग्स लिख सकते हो कि भाई इकोनॉमिक फैक्टर्स में जैसे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस है, तो ये सारे पॉइंटर्स हमने उसमें लिख दिए। डेमोग्राफिक्स में हमें पता है कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली उसके हिसाब से हमारी नेशनल इनकम घटती या बढ़ती है। पॉपुलेशन की सेगमेंटेशन कैसी है, कितने लिटरेट, कितने इलिटरेट, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने यंग, कितनी लेबर फोर्स और कितने डिपेंडेंट, ये सब हमने जब लिख दिए तो उससे भी हमारी नेशनल इनकम इफेक्ट होती है, तो ये हमने लिख दिया। इस तरह से जब आप पूरा टॉपिक लिख लेते हो तो एक छोटे से सेगमेंट में आपका पूरा टॉपिक रेडी हो जाता है और उसमें आपको पता होता है कि अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारी चीज़ें और इनको हमें पढ़ना है। तो जब इस तरह से हम पढ़ते हैं तो हमें सारी चीज़ें याद रहती हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे बुक बंद करके थोड़ी देर के बाद एक बार रिकॉल करने की ट्राई करें, याद करने की कोशिश करें कि हमने क्या पढ़ा था उसमें। अब ऐसा करने से आपके दिमाग को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि भाई ये पढ़ा था और ये सारी चीज़ें उसमें थी, ओके, टॉप राइट कॉर्नर में ये लिखा था, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये चीज़ें लिखी थी, इस पेज के इस बुक में लेफ्ट साइड पे ये वाली इन्फॉर्मेशन लिखी थी, राइट साइड में ये वाली इन्फॉर्मेशन लिखी थी, इतनी डिटेल में आपको चीज़ें याद आने लग जाएंगी। तो जब आप ऐसे पढ़ते हो तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इजीली याद रहेगा, बहुत इजीली आप इसे रिमेंबर कर पाओगे और एग्ज़ाम में बैठ करके सोचना नहीं पड़ेगा कि ओके, इस आंसर में मुझे क्या लिखना था, यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, वहाँ पे मुझे क्या लिखना था, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। बहुत सारे बच्चे बाय हार्ट करते हैं,
प्लीज़ स्टॉप बाय हार्टिंग, हमें बाय हार्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाय हार्टिंग का सबसे बड़ा एक फ्लॉ ये है आप एक चीज़ भूल गए उसके आगे की सारी लॉजिकल सीक्वेंसेस ख़त्म, आपका दिमाग उसे याद नहीं कर पाएगा। डेफिनेशंस हमें याद करनी पड़ते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो हमारे स्टेटमेंट्स नहीं हैं, किसी और ने दिए हैं, किसी इंसान ने या किसी और इकोनॉमिस्ट ने या किसी और इंस्टीट्यूशन ने वो स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वो एज़ इज़ लिखनी पड़ेंगी। बट उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो जितनी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखो उतना आपके लिए वो लेस क्यूबरसम या लेस टायरिंग हो जाएगा, लेस मेहनत वाला काम हो जाएगा। सो वो एक चीज़ जो है आप कर सकते हो। इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो या आपके फ्रेंड्स के साथ आप स्टडी करते हो, एक टॉपिक आप ले लो, एक टॉपिक आपका फ्रेंड ले ले, जो भी टॉपिक आपने लिया है वो आप उसको अच्छे से थरो रीडिंग करो और आप उसे अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश करो। उससे आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी और आपके फ्रेंड को भी वो समझ में आ जाएगी, वही चीज़ आपका फ्रेंड आपके लिए करेगा, तो इससे आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है हम टीचर हैं क्या कंप्यूटर्स हैं? नहीं, हमें ये चीज़ें याद इसीलिए रहती है क्योंकि हर साल हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, हर साल हम ये चीज़ें एवरी ईयर रिपीट मोड में बच्चों को, नए बैचेस को ये सारी चीज़ें समझाते हैं, इसके लिए हमारे दिमाग में बहुत टाइम तक बहुत अच्छे से बैठ जाती है। और ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ब्रेन भी एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे हमारा करता है, ब्रेन तो सबका एक ही जैसा है ना, तो वो चीज़ आपको करनी है। और जब आप वैसे करोगे तो ऑब्वियसली रिकॉलिंग विल बिकम ईजियर। सो ये सिर्फ दिमाग में डालने वाली जो एक्टिविटी है ये अब ख़त्म करो, अब दिमाग से निकालने वाली जो एक्टिविटी है इसको शुरू करो, रिकॉलिंग शुरू करो। हम चीज़ें हाईलाइट करते हैं पढ़ते पढ़ते, बहुत बच्चे करते हैं, मैं भी करती हूँ, आज भी करती हूँ। सो हाईलाइटिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू रिकॉल। आप उसमें एक मेंटल नोट तो डाल देते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर 10 मिनट बाद आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करो तो क्या आपने रियली अंडरस्टैंड किया था कि आपने क्या पढ़ा उसमें या क्यों अंडरलाइन किया था, वॉट वॉज सो इम्पॉर्टेंट अबाउट इट, राइट? तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट तब होती है, इफ़ेक्टिव तब होती है जब आपने उसे अंडरलाइन किया है और 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद जब आपने बुक बंद कर रखी है या आप अपने ब्रेक मोड में हो उस टाइम पे जब आप दोबारा उसे रीड करो तो आपको याद हो कि हाँ ये मैंने अंडरलाइन किया था और इस अंडरलाइन में मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, तब उस अंडरलाइनिंग का फ़ायदा है, अदरवाइज़ इट इज़ अ कम्प्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। तीसरी चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यू स्लीप ऑन थिंग्स, ऑलराइट? लिटरली सोना नहीं है उनके ऊपर, बट सोने से पहले हम अपने दिमाग में अगर वो चीज़ें ले आएँ जो हम डिफ़िकल्ट महसूस कर रहे थे ड्यूरिंग द डे, एंड इफ़ यू ट्राई टू रिकलेक्ट इट वाइल स्लीपिंग, देन इट विल स्टे विद यू फॉर योर एंटायर लाइफ, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये मुझे बहुत बचकान सी चीज़ें लगती थी जब मेरी मम्मी मुझे बोलती थी रिवाइज करके सो, थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा। तो उस टाइम पे इट यूज़ टू बी लाइक ओ गॉड आई एम सो टायर्ड, मेरे को नहीं करना है, बट माई मॉम मेड श्योर कि आप बैठोगे और आपको पढ़ना है, ये रीड करना है, रीड करे बिना आप नहीं सो सकते। सो आई डिड दैट एनी विच वेज, नाउ आई नो हाउ इट इज़ हेल्पफुल बिकॉज दोज थिंग्स हैव स्टेड विद मी एंड दोज थिंग्स विल स्टे विद यू। सो जो भी चीज़ें आपने दिन में रीड की हैं उनको रात को सोने के समय थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लो, जहाँ अटकते हो उठो, बुक देखो और दोबारा से उसे बंद कर दो एंड दोबारा रिकलेक्टिंग, रिकॉलिंग शुरू कीजिए। बस ये तीन चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपकी रिकॉलिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू राइट योर पेपर्स रियली वेल। आई एम श्योर ये थ्री एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। आप इन तीनों में से कौन से इंप्लीमेंट करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्टडी वेल, आई सी यू इन अदर वीडियो, बाय नाउ, टेक केयर।